हेलो व्हाट्सअप गाइस, ये है माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज़ पार्ट 3। तो भाई हम यहाँ फिशिंग कर रहे हैं और पिछले जो पार्ट था उसके अंदर हमने एक डर्ट का घर बनाया था जिसमें हमने अपने एक फ्रेंड को रखा था जिसका नाम था लैग पीस। और अब हमने एक बहुत ही बड़ा घर बनाया है। देखो भाई, देख रहे हो कितना प्यारा और कितना अच्छा घर बनाया भाई मैंने, वुड का बनाया पूरा। जो लोग मेरे को नूब समझते थे कि मैं नूब हूँ, डर्ट के घर में रह रहा हूँ, उनके मुंह पे ये एक तमाचा होगा। ये देखो सारा आइटम मैंने यहाँ पे रख रखा है और मेरी सारी लूट, ये देखो कितने सारे प्लैंक्स वुड है मेरे पे। और अब तुम लोग सोच रहे होगे, अरे भाई लेग पीस कहाँ गई, लेग पीस को तो हमें दिख ही नहीं रही, कहाँ गई लेग पीस। तो गाइज तुम्हें लेग पीस दिखाने वाला हूँ मैं अब। ये देखो कुक्ड चिकन, हाँ यही है लेग पीस, इसको हम पका के खा गए। अरे नहीं नहीं गाइज, लेग पीस अभी ज़िंदा है, वो हमारे पुराने वाले घर में ही है। अब हम उसको लेके जाने वाले हैं अपने न्यू हाउस में। हेलो लेग पीस, पीछे पलट। अरे पीछे पलट, गुस्सा गुस्सा है क्या तू मेरे से? बाहर आ, न्यू घर बना लिया हमने, चल तेरे को न्यू घर की सैर कराते हैं। कैसा लगा तेरे को ये घर, अच्छा लगा ना? देखो भाई अच्छा लगा, पहले मैं डर्ट तोड़ दूँ नहीं तो ये भग जाएगी यहाँ से। भाई मैं यहाँ पर घूम रहा था और यहाँ पर मुझे अपना ब्राउन मुंडा भी दिख गया, हो सकता है ये कॉपी हो। बट भाई मैं इसके पास जाकर जब इसके ऊपर बैठा तो ये सच में हमारा ब्राउन मुंडा था। हाँ देखो, वैसे फिर भाई मैंने इसको ट्रैप करने की कोशिश की बट भाई ये भाग लेता है बार बार, तो अब मेरे को घर से जाकर वो लानी पड़ेगी लीड, मैंने उससे ट्रेडर से ली थी। ये देखो ये रही, ओके हाँ भाई लेग पीस, अभी तेरे लिए ब्राउन मुंडे को भी लेके आ रहे हैं, मज़े करना फिर तुम दोनों। राइट गेट खोलो भाई चिक। अबे ये बाहर निकल गए यार, इसको पकड़ के लाओ यार, ये लेग पीस बिना ड्रामे इसके अलग ही हैं, पीछे गई है। ए लेग पीस चल, तू भी हमारे साथ रस्सी में बंध, चला अबे अंदर चल भाई। अबे भाई तुम दोनों के अलग ड्रामे चल रहे हैं, अंदर चलो, ज़ॉम्बीज आने वाले हैं, जल्दी जल्दी अंदर आओ। ओके दोनों को अंदर ले लिया मैंने, गेट बंद कर दो और सो जाते हैं जल्दी से अपना। ओ भाई यहाँ पर तो काफ़ी गहरी केव है, चलें इसके अंदर, चलो चलते हैं। कोल मिल गया, देखते हैं कोल मिला क्या हमको। अबे नहीं मिला यार, आई थिंक वो नीचे गिर गया यार। इस वाली केव में यार काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज थे। और अबे भाई यार तू ये ले आ जा। अबे भाई इसकी तो पूरी फैमिली आ गई, बीवी बच्चे को भी बुला लिया इसने तो। अरे वो भाई यहाँ पे कोई वो भंडारा वगैरह है क्या? पूरी फैमिली को ले आया जो तू, जल्दी ऊपर चलो, ये तो मार देंगे मेरे को। अच्छा पानी आ रखा इधर से, नहीं तो मैं तो मर जाता भैया जल्दी से। अबे ये कहाँ से आ गया? लो भाई मैं मर गया, कोई नहीं मैं वापस से आ चुका हूँ इधर। ओके ओके यहीं पे है मेरा सामान, ओके ओके कलेक्ट करो जल्दी से। वो ज़ॉम्बी चले गए मेरी मौत देखने के बाद, गए हैं वो भी। आ जाओ आ जा, ले बाबू मेरे हाथ में देख रहा है तलवार है, तलवार ये ले, तू भी ले, ये ले ये ले, आ जा भिड़ ले भाई। ये देखो तुम ऊपर का सीन, ऊपर वो एरो वाली भी है भाई, बहुत डैमेज देती है यार वो। यहाँ पे मेरे को ये पता नहीं एक अलग सी आइटम, भाई मेरे पास जगह भी खाली नहीं है, कोई नहीं है फूल को फेंको बाहर। ये कॉपर इनगोट शायद, ये काफ़ी सारे कॉपर इंगोट्स थे, मैंने सारे कलेक्ट करे, दिक्कत ना लो सारे कलेक्ट करूँगा। अरे स्टोरेज तो बना लूँगा मैं, वहाँ से मैंने काफ़ी सारा कोल और ये कॉपर नगेट ले लिए थे। और यहाँ पर अब मैं पहाड़ की साइड पे आ चुका हूँ और मुझको थोड़ी सी वुड चाहिए ताकि मेरे काम आए ये वुड। और खाने के लिए भाई मैंने पिग्स को मारा, इन पिग्स को, कहाँ भागता है, रुख रुख ये ले। और भाई अब मैं ये पहाड़ पे चढ़ाई कर रहा हूँ, बहुत ही बड़ा पहाड़ है यार ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा ही बड़ा हो गया यार ये, मेरे को लगा नहीं था इतना बड़ा होगा ये, बट फाइनली मैं एक जगह पहुँचा। और भाई यहाँ पर तो मुझे बाहर ये आयरन नगेट मिल गया, जल्दी से इसको भी कलेक्ट करते हैं। और ये पता नहीं क्या आइटम है, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा क्या है ये, ऐसे एकदम चोटी जैसा कुछ बना हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी सारा आयरन और कोल भी मैंने कलेक्ट किया, बहुत सारा आयरन मिल गया मेरे को यहाँ पे, और कोल भी काफ़ी था। और मुझे लगा कि ये काफ़ी गहरी केव होगी बट सो सैड ये गहरी नहीं थी, ये केव ख़त्म थी, यहीं पे पानी भरा हुआ था इसमें, और ये हमें यहाँ से भी निकलना पड़ा। मैंने यहाँ पे थोड़े से ये आयरन स्मेल्ट किए
और अपने आयरन के कुछ टूल बनाए, और फिर मैं वापस से यहाँ से निकल लिया बाहर और दूसरी केव्स ढूंढने लगा। सो फाइनली यहाँ इस पहाड़ के अंदर एक काफ़ी गहरा गड्ढा दिख रहा था मेरे को, और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी केव थी। सो केव में जाने के लिए भाई मैंने क्राफ्टिंग टेबल के अंदर से एक बकेट बना ली ताकि हम पानी डाल के डायरेक्ट सीधा अंदर जा सकें। तो मैंने यहाँ पर बकेट दिख ली थी। ओके भाई ये मिल गई बकेट, हमने बकेट बना ली है। तो वाटर कलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे पानी डाल के नीचे चलेंगे। बस उससे पहले मैं खाना भी खा लूँ ताकि मेरी हेल्थ हमेशा फुल रहे। सो चलते हैं, रुको पानी कलेक्ट भी कर लेता हूँ ना वापस से। रुक जा रुक जा रुक जा, अरे भाई कलेक्ट भी करना है हमको वापस। चलो 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 नीचे फास्ट, ये ट्रिक होती है जल्दी से नीचे जाने की। अगर मैं डायरेक्ट कूदता तो भाई मैं मरता, पक्का मरता मैं। और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, काफ़ी अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। यहाँ पे सिलेंडर मैन भी काफ़ी घूम रहे हैं, तो मुझे इनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, बहुत डैमेज देते हैं क्योंकि ये। तो भाई सिलेंडर मैन से लड़ने के लिए मैंने एक जगह बना ली जहाँ पे मैं सिलेंडर मैन की आँख में देख के मैं बुला रहा था। और यहाँ पे दो सिलेंडर मैन घूम रहे थे, मैंने उनको किल किया। देखो ये रहा एक और, ऊपर आ जा, और ये ले बाबू, बचेगा नहीं, ये ले मर 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 जाना, मर क्यों नहीं रहा। ओके किल कर दिया हमने इसे। यहाँ से हमें ये एंटर पल मिली, क्या है ये। मैंने इस केव में टॉर्च ही टॉर्च लगा दी और अब मैं ज़ॉम्बीज़ को किल कर रहा हूँ। मेरे पास शील्ड भी है और मैं और गहराई केव्स में जा रहा हूँ। और भाई यहाँ पर भी हमें, ये मेरे पास बहुत सारे हैं कॉपर नगेट, इनका काम क्या है। नीचे जंप करें, मरेंगे तो नहीं हम। खैर ज़्यादा गहरी भी नहीं है ये। ओहो यहाँ पे आयरन ओर भी मिल गया हमें, आयरन ओर कलेक्ट करते हैं अपना। और फाइनली हमारी यहाँ पे इससे लड़ाई हो गई इससे, और इसको हमने पेल दिया। भाई शील्ड की मदद से हम इसे आराम से मार सकते हैं, सही बता रहा हूँ। और यहाँ पर और भी ये काले काले पत्थर आने चालू हो गए थे, इसे भी कलेक्ट करते हैं अपना। और गाइस वही हुआ जो मैं सोच रहा था, मैं घर का रास्ता भूल गया। और अब मैं ये जो कंपास है इसकी मदद से पता नहीं कहीं पे भी खोद गए, कहीं पे भी जा रहा हूँ मुझे नहीं पता। और मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट खोदते खोदते इस केव को मैं अपने घर के नीचे ही ले जाऊँ, बट शायद ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो भाई मैं यहाँ पे रास्ता बनाने लगा, और भाई मेरे को यहाँ पे लैपिस लजूली भी मिल गई, पता नहीं क्या वो काम होता है इसका। तो कलेक्ट करते हैं उसको अपनी आयरन की पिकैक्स से। मैं समझ रहा था ये गोल्ड है बट ये कुछ और ही है यार। कुछ आइटम फेंकना पड़ेगा कलेक्ट करने के लिए, फेंको इसे। 53 एक ही बारी में, काफ़ी सारी। और ये हमें एक बार नहीं कई बार मिली भाई, आप जैसे कि देख पा रहे हो भाई कितना गड्ढा खोद दिया हमने भाई साहब। यहाँ पे थोड़ी सी और लैपिस लजूली मिल गई हमको, इसको भी कलेक्ट करते हैं। भाई अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम तो कभी घर पहुँचने वाले हैं नहीं। और देख रहे हो कितने सारे स्टोन यहाँ पे पड़े हुए हैं ऐसे ही, और इनको हम उठा भी नहीं सकते। अब फाइनली मुझे लगता है कि वीडियो को एंड करना चाहिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है। तो भाई इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, अगली वीडियो में हम अपने घर जल्दी पहुँच के दिखाएंगे। लगता तो है कि हम इसी केव में मर सकते हैं, लेकिन हम होप जताई जा रही है कि हम जल्दी पहुंच जाएं। सो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और कमेंट कर दीजिएगा। और पार्ट्स के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।